प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कर्नाटक के नतीजों पर कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर सकती है। ये कमलनाथ बयान दे रहे हैं कि अभी भी हमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, बीजेपी खरीद फरोख्त कर सकती है। सुनते हैं। बना पाएगी अभी तक जो खबर है, कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलके खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया, अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो इन्होंने करी अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। बीजेपी और पार्टियों से, स्वतंत्र पार्टियों से खरीद फरोख्त कर सकती है, सौदा कर सकती है, इसकी शुरुआत हुई अरुणाचल प्रदेश से, अभी तक ये जारी है और कर्नाटक में भी वो कोशिश करेगी। जी हर्षवर्धन जी। नहीं सौरभ जी, मुझे लगता है कि जब कमलनाथ जी ये बोल रहे हैं तो उनको तो थोड़ा बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई खरीद लेगा, वो बिक जाएंगे, ये तो बोलने से थोड़ा सोचना चाहिए। ये निश्चित तौर पर हर पार्टी को अपने विधायक बचाने का अधिकार है। इस वक्त बहुत ज़्यादा एक दूसरे को, जिसको हम मतलब बरसों से सुनते आ रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लेकिन कोई खरीदार तभी होगा ना जब कोई बिकने वाला तैयार होगा। और कर्नाटक की राजनीति में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया, मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, अगर डीके शिवकुमार को उनका ड्यू इस बार नहीं मिला तो कर्नाटक में असम हो सकता है। इसको ध्यान से समझना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। बार बार ये नहीं चल सकता है। 75 के सिद्धारमैया है, डीके शिवकुमार भी 60 पार कर चुके हैं, हर बार आप उनको होटल मैनेजमेंट और कहीं यहां से लेकर मुंबई तक इस्तेमाल करेंगे, उनको उनका अधिकार नहीं मिलेगा तो मुश्किल होगी। सचिन पायलट किसी की खरीद बिक्री की वजह से नहीं जो है पदयात्रा निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे जो कांग्रेस के जो बड़े नेता गए, जो चेहरे चमकते हुए थे, हिमंत विश्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो आपको ध्यान देना होगा कि बिक के नहीं गए हैं। राजनीति में अपनी प्रासंगिकता, अपना महत्व, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। कमलनाथ जी को तो कम से कम ये बयान नहीं देना चाहिए था। नहीं, एक सेकेंड सौरभ जी। जी एक जानकारी बस मैं दे रहा हूं कि ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने, जो आप अन्य देख रहे हैं, 7 अन्य की संख्या पहुंच चुकी है, तो दोनों ने अन्य ये जो उम्मीदवार जीत करके आए हैं इनके संपर्क करना शुरू कर दिया। और खबर ये भी, कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग शहरों में, बीदर, बीजापुर, बेलगांव में हेलीकॉप्टर सेवाएं जो है वो बुक करना शुरू कर दिए हैं, हेलीकॉप्टर्स बुक कर दिए हैं अपने लोगों को लाने के लिए, अपने जिनके जो भी उनके उम्मीदवार जो आगे चल रहे हैं या जिनके जीतने की संभावनाएं हैं उनको बेंगलुरु लाने के लिए हेलीकॉप्टर्स बुक कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। और जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वहाँ के बड़े होटलों में 50 कमरे जो हैं वो बुक किए गए हैं, उनके रहने ठहरने की पूरी व्यवस्था जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है, और इसका जिम्मा भी बताया गया है कि डीके शिवकुमार को ही दिया गया है। जिस ओर अभी कमलनाथ इशारा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर सकती है, हॉर्स ट्रेडिंग की ओर वो इशारा कर रहे थे कि इसकी संभावना है बीजेपी की तरफ से, तो उसको ध्यान में रखते हुए, सतर्कता बरतते हुए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और अपने सभी प्रत्याशियों को वो एक साथ रखना चाहती है, एकजुट रखना चाहती है कि बीजेपी उनसे संपर्क ना कर पाए। जी बोलिए अलका जी। देखिए मैं फिर कह रही हूँ, चलिए अभी आपके जो आंकड़े दिखा रहे हैं 76-26-7 मिला लीजिए, फिर भी बहुमत अकेले एक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास में है। और भाजपा के प्रवक्ता की बात से बार बार साबित हो रहा है, कर्नाटका और देश देख रहा है कि साफ दिख रहा है कि बहुमत जो है सरकार बनाने का मैंडेट कांग्रेस को दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को किसी दम पर रोकना है, उसके लिए किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल करने के लिए दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार सक्रिय है। हम भी कम नहीं हैं, हम भी पूरी तरह से जनता का जो मैंडेट आ रहा है, जो साफ संदेश जा रहा है, उसके साथ खिलवाड़ किसी कीमत पर भी नहीं होने देंगे, चाहे कहीं पे भी हमें उसका जाना पड़े। बेहतर होगा कि भाजपा अपनी हार को बड़े दिल के साथ स्वीकार करके डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी सरकार हार रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।